बच्चों को तो आ लेना थी। जब आ जाएंगे तो खा लेंगे, तू तो रोटी खा। क्या सोच रहे भाई? मैंने क्या सोचना है पैना? एक बात तो बता, बरे दो बरे बाद तूने अपनी शक्ल दिखानी होती है, वो यहां आती है तो दो घड़ी आराम ही कर दिया कर। ले किवें कर लूं आराम, इस खंडर को देखती हूँ ना पाया तो मेरा तो कालजा सड़ता है ना। मरने वाली तो मर गई, उसी वक्त दूजा ब्याह कर लिया होता तो कोई स्यापे को सामने वाला तो होता। अब गया वेला मैं किसी खूह से तो नहीं ना निकाल के ला सकता। करे सो न्याल सत सरी अकाल, जो नसीबे में लिखा था वो तो होना ही था। आ, जो हुआ सो हुआ, पर मैं तो कहती हूँ तुम प्यो पुत्र कब तक सन्यासियों की सी जिंदगी गुजारते रहोगे? देखना खड़े चढ़े बादरे का व्याह कर दे हैं, अगे जो वाहे गुरु दी। सोचता तो मैं भी यही हूँ, पर बादरा मेरी समझ में नहीं आया। क्यों बादरे को? क्या कोई किल निकले हुए? क्या है उसको? सोना है, शरीफ है, जवान है, गुरुद्वारे में बकैदगी से जाता है, किसी थी पहन का उलामा नहीं आया कदी। ओ यही तो एक फसाद है, वो कोई जटो जवानों वाली बात ही नहीं है उसमें। पता नहीं मेरे खून ने असर क्यों नहीं छोड़ा। और तुझे तो याद है मैं तो बचपन में ब्रंटो से लेके कबड्डी तक सारे खेल खेल चुका था। वो पिंड का सबसे ज्याला और शी जवान था, कई हटेली मुटियारों को कलाई के एक झटके से अपनी गिरफ्त में ले लेता था। थूक फेंकता था तो 15 गज दूर जाके गिरती थी। लहरिया पगड़ी बांध के हाथ में छवि लेके जब मेले ठेले पर निकलता था तो बड़े बूढ़े वाजा लगाते थे, और किसी ने सुंदर जट देखना तो सरदार निहालसिया को देख ले भाई। एवी सरदार ने आलसिया को देख ले, सुंदर जाट तो मेरा डाकू था। डाकू मेरा भाईया कोई डाकू है? ओ कुर्बान जैसी तेज जवानी थी मेरी, पिंड की सारी औरतें मरती थी ना। मैं कौन सा इस बात को नहीं मानती, पर बादरे को क्या है? क्या है नामुराद, सारा दिन डंगरों में बेला सोया रहता है या खलियानों में बैठ के गुल्लियां चूसता रहता है। बड़ी शाल मारेगा तो जाके गुरु घर की सेवा कर लेगा। वाह गुरु की। तो नकम्मा ना भैया, तूने कभी बात की उससे इस बारे में? बात क्या करनी है, पड़े किसी मुटियार की कलाई लियाए को लामा, मेरी भी छाती फकर से फूले, दूसरे दियातियों तक कूक पहुंचे, निहालसिया का शेर जवान हो गया है। मैं कोई और बात कर रही हूं पाया, तेरे कोई और ही अरमान है। ना क्यों ना और मान मेरे, मैं तो कहता हूं उसको बिगाड़ने में तेरा हाथ है। ल
ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਭਲੇ ਉਸਕੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਅਬ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਂ ਉਸੇ ਛੋੜਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀਓ ਮੈਂ ਪਲਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੂਨੇ ਇਸੇ ਵੀ ਉਨ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈਆ ਵਾਹ ये सुआ भी तूने मेरे ही सिर में डालनी थी खूब सिला दिया तूने मेरी नेकी का नखा गुरु की सौ और उसकी तरबियत में तेरा हाथ नहीं है मेरा किवें हाथ था 8 के 10 वरे का था जब तू ले आया था अपने कोल ना मैं कहती हूँ जो खराबी की तूने ही लाड प्यार में बिगाड़ा है उसे हिक से लगा के रखा हमेशा ना उसे कर जा दिलजीत का और चुप कर जा मैं क्यों चुप कर अब मेरा मगई ना सार चुप कर जा कर जाती हूँ चुप मेरे काल जब हूक उठती है ना भाई की मोहब्बत की जो आ जाती हो यहाँ मरने अब मुड़ के नहीं आऊंगी किधर मर गई है ये प्रीति प्रीति जा जा जाके देख कितने मर गई है लेकर आओ उसे मैं आ गई थी अपने नसीबे का स्यापा करने यहाँ तेरे पास वाह भाइया वाह चंगा सिला मिला है मुझे तो अपनी नेकी का जुतिया खाऊ घर में भी चारों शाने चित कर दिया था उसने ईंटों का चक्का जैसे एक अमरूद से ही गिरा दिया था कैसी कैसी आवाजें कसी थी गांव वालों ने फिर
क्यों ना मेरी मर्दानगी हैवानगी बनती। नाम कौर से पहले मैंने जिस मुढ़ियार की भी कलाई पकड़ी, एक अजीब सा सुरूर मिला। पर उस वाके की रड़क इतने सालों बाद भी मुझे महसूस होती है। उसकी आंखें और एक ऐसी सूले मेरे सारे पिंडे में खोब रही थी। उसके पिंडे से बिजली निकल रही थी, जिससे मैं स्वाह हो रहा था।
वही हर नाम कौरे और ये है तेरी जगीर जिसकी तू कली रानी है। शर्मांदा गुंडे लाके एक वारी तक ले मेहंदी लगे गोरे हाथ सीने शर्मा कुंडे लगे एक बारी तक ले मेहंदी लगे गोरे हाथ सिरे मेरे रख ले ना ये काम तेरे करने वाले हैं भाई। ओ है तेरी ऐसी हालत है। ना मैं नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा? अब मैं करूंगा। तू करेगा। चल जा के पंजे दबाओ। चल चले खबरदार मत चिंता तू अब कब माफ करना को हाथ ना लाना। अब मैं चाची सती को कह हो तो आएगी कल आएगी कल तुझे देख ले। पता नहीं आलसा मेरा दिल क्या कहता है। अब पूछना मेरा दिल क्या कहता है। क्या कहता है? मेरा दिल कहता है बेटी होगी बेटी बिल्कुल मेरे वर्गी। ओए अबे बेटी होगी अब बेटा होगा मेरे वर्गा जवान अब मेरा शेर पुत्र। हाँ फिर वो शेर पुत्र पिंड की पहलियों में पिंड की मुटियारों की कलाइयां पकड़ेगा। ना तो क्यों ना पकड़े कलाइयां फिर उसे भी मिल जाएगी कोई हरनाम का और चक के ले आएगा घर अपने। मुझे नहीं चाहिए ऐसा
लुच्चा। क्यों नहीं चाहिए लुच्चा? अब मैं तो अपने पुत को डाकू बनाऊंगा, डाकू। फिर तो बेटी होगी, बेटी। ओ बेटा होगा, बेटी, बेटा, बेटी, बेटा। बापू क्या हुआ? बापू कुछ नहीं हुआ। वो तुझे क्या हुआ है? वो तेरा गुई दतरा निकल गया है बापू। तू ऐदा उठा तो मैं डर गया कि खबरे। ना इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हौसला पकड़, अभी सारी जिंदगी गुजारनी है, वो इतना डर डर के गुजारेगा? मर्द बाण मर्द। बापू बार पुआ ही है। चाची बादुआ। खैर है, खैर है, तो अपनी सुना। जिंदा रहे पुत, जिंदा रहे। वाहे गुरु की कृपा हो तुझ पे। ले भी पुत निहाल। वाहे गुरु की खास कृपा है तुझ पे, जो उसने तुझे इतना ताबेदार पुत दिया है। अल्लाह बिन मां बच्चा था, पर तूने इतना प्यार दिया उसे कि क्या कोई माँ प्यार देगी? और ये क्या दिया मैंने इसे? इसे वो मिला नहीं है जो मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था? जो मिला है गुरु की कृपा है, ऐसी बातें नहीं करते। निहाल पुत, मैं तुझे ये कहने के वास्ते आई थी कि मैंने कल लाजो के पिंड जरूर जाना है। वेरना जो मेरा पोता है वो तो वैसे ही शहर गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं मुड़ा। तू मेरे साथ चला चलेगा? खैर तो है। हाँ खैर ही है, लाजो के कारण खैर से थी ही हुई है। कोई 15-20 दिन हो गए हैं। देखना, मैंने सोचा कि अब कहाँ ला के उसको संभालती फिरूंगी, मैं खुद ही चली जाती हूँ। छिला लंघ गया तो मेरी पोतरी सोचेगी कि वे खेरा दादी ने तो आके मेरी कोई खैर खबर ही नहीं ली, और उससे खुशी कोई नहीं हुई। और ये लाजो त्रिलोचन की सबसे निक्की थी है ना? हाँ हाँ, अभी पिछले बार ही तो ब्याह किया उसका, याद नहीं है कि उनकी माता अभी निको निको को छोड़ के मर गई थी? अपनी हड्डियाँ बाल बाल के बुढ़ी हड्डियों को रोल रोल के मैंने पाला है उनको। तीनों की शादी ऊपर तले की है, अब तो बस आखिरी निक्का ही रह गया। चाची एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी? ले पला मैं क्यों बुरा मनाऊंगी, तू गल कर। ओ चाची मेरा भी अगे पीछे कोई नहीं है, ना है और लगता है ना कभी था। ओ मैंने भी हर खुशी हर गम में तेरे ही घर का मुंह वेखा है। एक तरह से बहादुर की भी तू दादी है। क्यों नहीं? ना तुझे बहादुर के बारे में कभी ख्याल नहीं आया? कैसा ख्याल, ये तो मेरी जिंद जान है। इतना छोटा सा था मेरी गोदी में जब इसकी माता मर गई थी। और तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि इस जून जो के कभी आगे पीछे कोई नहीं है? मैं मर्द जात कहां जाके बात करता फिरूं? ना तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि हे अपनी किसी दोतरी का ही इसके साथ ब्याह कर दे? बहादुर का ब्याह मेरा क्या मतलब? ना तुझे तो बहादुर में सारे गुण नजर आते हैं, भोला है, ताबेदार है,
ओए ऐसे ही जुआई लगते हैं ना लोग। हाँ, ऐसे ही लगते हैं जुआई, क्यों नहीं, मेरी तो वो जान है, मुझे तो वो बड़ा चंगा लगता है। और मैंने तो लाजो की बारी भी बादरे के बारे में बात की थी, पर ओ चाची पर क्या पुत, क्या बताऊं, वो जो लाजो का बापू है ना, मेरा तरलोचन है, वो बादरे को पसंद नहीं करता। ना वो क्यों नहीं पसंद करता मेरे बादरे को? वे पुत क्या तूने? वो पता तो चले, बात क्या है? पता नहीं, वो कहता है कि हालांकि मैंने इस बात पे कई बार लड़ाई भी किया उससे, पर खबरे क्यों उसका दिमाग ही खराब है। पता तो है तुझे, बचपन में अम्बी के दरख्त से गिर जो गया था। पर पता तो चले, वो कहता क्या है? कुछ नहीं कहता, बकवास करता है, जाने दे उस बात को, छोड़। उन्ना क्यों जाने दू, वो चाची बता क्या कहता है वो, और तू ना बताए तो मेरे मरे का मुंह देखे। बेड़ा तरे, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा बताती हूँ, वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि वो कहता है कि वो क्या कहता है? वो कहता है कि उसे लगता है कि बादरा मर्द नहीं है। दिमाग खराब है उसका, बड़ी दफा उसको समझाया, मना किया मैंने, दिमाग उसका खराब हो गया, गिरा था ना दरख्त से। तू उसकी बातों के बारे में ना सोच, देख मैं हूं ना, बादरे से भी प्यार करती हूँ, जान देती हूँ, दांतों जैसी हूँ मैं उसकी। ओ जान चली जा चाची, जान चली जा, और आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाना, और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा। ओ जान चली जा चाची, ओ जान चली जा, मैं तेरे, ओ जान चली जा चाची, जान चली जा, ओ जान चली जा। आ, क्यों नहीं छोड़ता बुढ़ियों को चिथड़ा? और देख सारे लोग क्या कह रहे हैं, और तुझ में कोई मर्दों वाली कोई जटों वाली बात ही नहीं है। और क्यों नहीं छोड़ता बुढ़ियों को चिथड़ा? और क्यों नहीं छोड़ता? और क्यों नहीं छोड़ता? और क्यों नहीं छोड़ता? और क्यों नहीं छोड़ता? और ना बुलाता? और क्यों नहीं छोड़ता? और कब सही होगा? और कब बड़ा होगा तू? तुझे बेटी चाहिए थी ना, यहाँ देखो, और तेरा बेटा भी बेटियों जैसा ही हो गया है। देखा के खुश हो जा, वो बिल्कुल तेरे जैसा ही है। न्यासिया बादरा किधर है? किधर? चाची सती के पास है। न्यासिया, मैं तो अब चली, ले जा रही है मुझे ये टीवी, यहाँ से अब जा रही हूँ मैं। हैं न्यासिया,
अब वादे को तू नहीं उसका बापू और उसकी माता दोनों बन के पालना है। तू नहीं उसे पालना है। देख उस पे कभी सख्ती ना करी, उसे बड़े प्यार से पाली है। तूने उसे कभी डांटना भी नहीं है। जे तूने उसे सही तरीके से नहीं पाला ना, तो मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। न्यासा मेरे से वायदा कर, खा गुरु की सो। न्यासा खा गुरु की सो। का ख्याल था कि रूसी राज आएगा, सब अपनी अपनी करती रही। और जो रमेश सिंह ने कहा था वही हुआ, मुल्क का बंटवारा हो गया, हिंदू मुस्लिम वखो वख हो गए, कट गए सारे। रमेशिया, वो तेरी नजर में कोई लड़की नहीं है जो मेरे बहादरे लायक हो। मैं बहादरे की शादी करना चाहता हूं। और निहाल सिया, कौड़ा पानी मेरे अंदर गया है, लाल परी मेरे हाथ में है, डोल तू गया। मैं मुल्क के बंटवारे की बात कर रहा हूँ और तुझे अपने बहादरे की सुहाणी का स्यापा पड़ गया। तो मैं क्या करूँगा बंटवारे का? बंटवारा मैंने करवाया या मैं रोक लूं जाके बंटवारा? और ये बाकी सारे और किसी को कोई फर्क नहीं पहुंचा, उल्टा मौज मेला लग गया है। आते जाते काफले लूट रहे हैं, वो कई डंगर कई रेड़े कई मुटियारे कठी हो गई हैं पिंड में। तो ठीक है,
ये किसी के साथ हमारा कोई शरीका नहीं है तो फिर जिसके हाथ जो आए दबोचे और निगल जाए। ये किसी के साथ हमारा कोई शरीका नहीं है तो फिर जिसके हाथ जो आए दबोचे और निगल जाए। ये क्या बात है? और ये बहादुर वाली बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। नाम तो इसका बहादुरा है मगर बहादुरी वाला कोई काम नहीं किया इसने। वो अपना करमंडल सिया है ना यरकान का मारा हुआ वो मुंडा, तीन जनानियां उठा के लेकर आया है और वो मुखिया का पुत्र जो है वरियाम सिया, वो एक सुलखनी सुल्फे जैसी मुटियार तीन दिन से अपने घर में बंद करके रखी हुई है। सुबह जब मैं उधर से गुजरिया हूं तो रोने की आवाज आई है। जवानी पर किसी का जोर नहीं, इसको बंद नहीं मारा जा सकता। ओए निहाल सिया, तेरे तो मैंने बड़े जवानी के किस्से सुने हुए हैं निहाल सिया, मगर ये तेरा पुत्र बहादुर सिया क्या है? इसको तूने चूड़ियां पवा के तो घर में ताड़ रखा है और सारा जमाना कहता है कि ये क्या है और इसकी वजह क्या है वजह। ये पिंड वाले क्या कह रहे हैं? तूने चूड़ियां पहनी हुई है और जब मैं तेरी उम्र में था तो कई मुटियारे मैंने। निहाल सिया, वो तेरे इस बहादुर सिया ने आप कुछ नहीं ये करना, वो इसका बंदोबस्त तू आप ही कर। मैं क्या बंदोबस्त करूं? कन हो रहा, दो बातें मेरी याद रहा। पहली बात तो ये है, ये याद नहीं रही। दूसरी बात ये है कि आज रात को इधर से एक काफला गुजरना है। Thank you.
ओ बादरा किधर है? नाम कौन है? जान कट ले और रब्बा जान कट ले।